Please subscribe my channel. It's free to subscribe and hit the bell icon so you never miss out my any video. Hey guys, good morning. And इस time मैं अपने kitchen में खड़ी हुई हूँ. तो मैंने जो first vlog बनाया था, तो उसमें मैंने आपको अपने बड़े चाचा and वहाँ के family members से मिलाया था. तो मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, बट थोड़े मेंबर्स रह गए थे. मेरे दो चाचा हैं, तो एक तो जिनके मैं गई थी वो थे, एंड दूसरे चाचा मेरे घर के जस्ट 10 मिनट्स थोड़ा दूर पे ही रहते हैं. तो आज है उनके यहाँ पूजा. कथा है लाइक आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता. तो कथा है सत्यनारायण की, और वहाँ पे मैं जा रही हूँ, दादी वगैरह सब जा रहे हैं. तो मैंने सोचा आज एक ब्लॉग बना लेती हूँ और थोड़ा सा अपना स्टार्टिंग का डेली रूटीन भी शेयर कर लूँगी. जो मेरी सब्सक्राइबर वगैरह पूछ रहे थे कि आप क्या करते हो एंड कैसे मैनेज करते हो सारा, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे चाय बना रही हूँ. तो लेट मी शो यू कि आज मेरी चाय कैसे बनेगी. सो ये बन रही है मेरी चाय, एंड जस्ट पहले पापा की बनाऊंगी मैं, क्योंकि पापा फीकी पीते हैं. देन उसके बाद मैं बनाऊंगी सैंडविच. उसके लिए यहाँ पे ये आलू मैंने पहले से ही मैश आउट कर रखे हैं. बस इसमें मसाला डालना है, और आलू में थोड़ा मसाला वगैरह डल जाएगा तो सैंडविच के लिए रेडी हो जाएंगे. तो देखते हैं मैं आज सैंडविच कैसे बनाती हूँ. सो गाइज, ये मेरा बैटर, इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी मलाई, और लाल मिर्च डाली और नमक डाला है. तो मलाई से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है आलूओं का. प्याज नहीं है, वरना मैं प्याज भी डाल देती, कभी ख़त्म हो गई थी. तो मैं इसे मिक्सअप करके इसका सैंडविच दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनेगा. सो गाइस, मैंने यहाँ पे ब्रेड तैयार कर ली है, इसके अंदर मैंने ये स्टफिंग कर भी दी है. एंड यहाँ पे मेरा पैन गरम हो रहा है. सो फर्स्ट यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें, तो मैं सैंडविच ऑलिव ऑयल में बनाऊँगी. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दूँगी. देन इस यहाँ पे रखूँगी मैं दोनों सैंडविचेस. सो इससे पहले मैं एक सैंडविच की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ. सैंडविच बोल सकते हैं या ब्रेड पिज़्ज़ा, मैं तो उसे ब्रेड पिज़्ज़ा कहती हूँ. वो बहुत ज़्यादा यमी होता है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा. मैं आई बटन पर इसका लिंक दे दूँगी. सो जब तक मेरा सैंडविच होता है तब तक मैं देखती हूँ हमारी चाय. सो ये हो चुकी है रेडी, एंड पापा की निकाल दी थी मैंने, अभी हो चुकी है कुछ चाय वालों की. बर्तन नहीं होते वैसे लग रही है मुझे तो. सो चाय वाय वगैरह सब दोनों रेडी हो रहा है. देन मैं आपको ये सब रेडी करके मिलती हूँ. सो गाइस, यहाँ पे मेरी चाय हो चुकी है रेडी. ये मेरे मेरे भाई की है, दादी चली गई हैं चाची के यहाँ पे, एंड ये रहे मेरे सैंडविचेस. तो मैं थोड़ा क्रंची सेकती हूँ इनको, तो खाने में और टेस्टी लगते हैं. तो मैं अभी पहले अपने भाई को ब्रेकफास्ट दिया हूँ, देन मैं खुद करती हूँ. सो गाइस, मेरा हो चुका है ब्रेकफास्ट, एंड नाउ मैं जाऊँगी चाची के यहाँ पे. सो ये हो चुकी थी कथा शुरू, एंड सामने मेरी छोटी चाची बैठी थी, एंड ये मेरे बड़े चाचा, एंड ये बाकी सारी कॉलोनी वगैरह वाले थे. सो कथा शुरू हो चुकी थी जब तक मैं वहाँ पे पहुँची थी. हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती तो पूरा पाठ पढ़ा जाता है. यानी मेरी यहाँ पे बड़ी चाची थी, उसके बाद हुआ था हवन. तो ये मेरे छोटे चाची चाची बैठे थे, हवन कर हो रहा था वहाँ पे. एंड वहाँ पे शूट करने में बड़ा अजीब लग रहा था, बट सब घर वालों को पता ही है, तो हमारे कस्टम अच्छे से होते हैं, पूजा वगैरह हवन वगैरह सब. सो यहाँ पे पंडित जी हवन के मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, एंड बहुत अच्छा सजा हुआ था मंदिर, बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे. उसके बाद हुआ था यहाँ पे हवन के बाद हो चुकी होने शुरू हुई थी आरती. तो आरती के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा मंदिर का वीडियो बना रही थी. इतना प्यारा लग रहा था मंदिर, इतना अच्छे से सजा हुआ था, एंड यहाँ पे प्रसाद वगैरह देने की तैयारी शुरू हो गई थी. तो हमारे यहाँ पूरा कस्टम से जो हिंदू वगैरह होते हैं वो प्रसाद में यहाँ पे रखा जाता है सत्यनारायण की कथा में.
ये फल पंजीरी और पंचामृत। तो यहाँ पे मेरे छोटे चाचा बैठे हुए थे जो प्रसाद लगा रहे थे, एंड यहाँ पे फ्रूट्स में खीरे और बनाना रखे गए थे, एंड वो प्रसाद लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर मैं भी उनकी हेल्प करने लगी थी, तो हम दोनों ने मिलके अच्छे से प्रसाद वगैरह सब रेडी कर दिया था। एंड ये प्रसाद इतना टेस्टी होता है, पंजीरी में होता है आटा, आटे को भून के उसमें बूरा वगैरह मिलाते हैं एंड मेवे वगैरह, और पंचामृत में होता है दही और दूध और मेवे। वो बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्वाद भगवान जी का प्रसाद होता है तो और अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मेरे दोनों भाई प्रसाद वगैरह दे रहे थे, और यहाँ पे बैठे थे मेरे बड़े चाचा, दादी, मेरे पापा, सब बिज़ी चल रहे थे अपने आप में ही। उसके बाद खाया था हमने खाना, एंड ये है हमारा देसी फूड, भिंडी की सब्जी, छोले, कासी फल एंड रायता। और शूट मतलब कुछ भी खाओ तो शूट करना पहले पड़ता था, एंड लुक एट माय फेस, इतने सारे लोग बैठे थे आसपास और मैं खा रही थी, शूट कर रही थी, हंसी भी आ रही थी। सो गाइस, मैं आ चुकी थी चाची के यहाँ से लगभग दोपहर में, और इस समय बज रहे हैं 6, तो मतलब मैं 3 बजे आ गई थी और मैं आके सो गई थी। इतनी ज़्यादा थकान थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और मैं आप लोगों को ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर पा पाई इसलिए बिकॉज़ वहाँ पे कोई एक जना बैठ ही नहीं रहा था, इधर से उधर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, ऊपर से हवन हुआ था तो उसकी गर्मी। और एंड मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी हुई हूँ, लेट मी शो यू एक लुक। सो रहा मेरा ड्रेसिंग टेबल का, मुझे मेकअप कलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, दीदी बना दो। गाइस मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सेटअप वगैरह कर लूँ मैं, एंड थोड़ा इधर उधर सामान पड़ा है, मेकअप करते रहते हैं तो इधर उधर हो जाता है, तो जल्दी से कुछ सामान आने को रह गया मेरा, तो सब आ जाए उसके बाद वीडियो बनाऊँगी। एंड आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी कि मैंने यहाँ पे Q&A क्वेश्चन पूछे थे इंस्टाग्राम पे कि एंगल ही गलत पकड़ रखा मैंने, तो Q&A क्वेश्चन पूछे थे कि आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, तो इंस्टाग्राम पे तो मुझसे पूछ ले जिसको जो पूछना था, जो यूट्यूब पे पूछना चाहते हैं वो मुझे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ एंड जो आपके मन में भी क्वेश्चन हो कोई भी। सो मैं उन सबके आंसर अपनी Q&A वीडियो में ही दूंगी, सबके लाइक इंस्टाग्राम और इसके भी। तो यहाँ के व्यूअर्स को कैसे छोड़ दूँ मैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चलाते हैं, तो वो कहते हैं कि दीदी हम यहाँ पे कर लेंगे, तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं आपके मन में जो है। और ये वीडियो अच्छी लगी एंड ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे न्यू ब्लॉग्स मैं बनाती रहूँगी, एंड कुछ स्पेशल आने वाला है आप लोगों के लिए। इतनी सारा टंग स्लिप होती है ना, आई डोंट नो। सो बस इतना ही था इस व्लॉग में, एक अपना रूटीन भी शेयर कर लिया मैंने आप लोगों के संग, आई होप आप लोगों को पसंद आई व्लॉग एंड ये वीडियो अच्छा लगे ना लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।